कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, उसमें कमर्शियल लेवल की कीवर्ड निकालने के बाद, अब एक और स्टेप भी इन्वॉल्व है जिसमें हमने इस सब, जब उसको शॉर्टलिस्ट हम कर लेते हैं, उस सब के बाद हमें उनको एक अलग फाइल में निकालना होता है ताकि हम बाद में इसको असाइन कर देते हैं हर पेज को एक सेट ऑफ कीवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? जब आपकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर डिफरेंट लेआउट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और वो हर वेबसाइट का वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन के आप या आपके क्लाइंट की वेबसाइट जिस तरह से बनी हुई है, और अगर वो वेबसाइट नहीं बनी हुई अभी तो वो किस तरह से बनेगी, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन के आपका कॉन्टेंट क्या है, आप बेच क्या रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं। तो किसी भी तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर में वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन SEO के लिए हमें वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली देखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, पहले तो हम अपने रिलेटिव टॉपिक्स निकाल लेते हैं, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल में हमने मोबाइल फ़ोन भी निकाला, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस भी निकाले, बाय मोबाइल फ़ोन भी निकाले, उसके बाद फिर रिलेटेड कीवर्ड्स में चले गए जिसमें हमने स्मार्टफोन्स भी निकाले। तो इस तरह से हम अपनी कीवर्ड रिसर्च को एक्सपेंड करते चले गए, और एक से ज़्यादा हमने चार से दस, और अगर आपकी बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है या आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो आप उसको एक्सपेंड करते चले जाते हैं। लेकिन अब हमने इन सब कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक जगह पे हमने ऑप्टिमाइज़ भी करना है, और वो ऑप्टिमाइजेशन होती है पेज लेवल पे। तो आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, हर पेज को हमने कीवर्ड का एक ग्रुप असाइन करना होता है, और वो ग्रुप फिर उस कीवर्ड उस पेज से एसोसिएट हो जाता है, और उससे एसोसिएट होने का मतलब ये है कि ये आप कीवर्ड्स पे कहीं और एसोसिएट नहीं करेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब कीवर्ड्स को हमने हर एक पेज के साथ अटैच करना है, और वो पेज अगेन वेरी कर सकता है, लेकिन मैं आपको अभी छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि ये करना कैसे है, और आपने बस इसी को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट उसको देखना है कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर हुई हुई है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप उसको जब असाइन कर लेंगे तब आप बाद में उसको एसोसिएट, मतलब SEO के लिए आप उसको एसोसिएट कर देंगे उसके साथ। फिर इसका मतलब ये होता है कि जो हम मज़ीद जब इस कोर्स को पढ़ेंगे, हमने जो बाद में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो ये जो ग्रुप आप एसोसिएट करेंगे उनके साथ, फिर ये ग्रुप के अगेंस्ट ही आप सब कुछ करेंगे। इस ग्रुप से आप हटके कोई और कीवर्ड अटैच नहीं करेंगे अनलेस कि आपको लगे कि मुझे दोबारा से इसको रीडू करना है या दोबारा से हमें कीवर्ड की नई रिसर्च करनी है। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब एक दफ़ा कीवर्ड एसोसिएट कर लेते हैं तो आप नए कीवर्ड्स के लिए नए पेजेस बनाते हैं। आइए देखते हैं। जिस तरह कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास वही मोबाइल स्टोर में कीवर्ड रिसर्च में तीन फोल्डर्स हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज और स्मार्टफोन्स हैं। मैं मोबाइल फ़ोन में जाऊँगा जहाँ पर मैंने डेटा क्लीन किया था एक कीवर्ड रिसर्च का। अब चूंकि मुझे एक नई कीवर्ड फाइल चाहिए, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसी को डुप्लीकेट करूँ ताकि मैं उसको छेड़छाड़ ना करूँ, मैं एक नई फाइल बना लूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास पुराना डेटा भी रहेगा और मैं नया डेटा भी बना सकूँगा। इसको मैं रीनेम करना चाहूँगा, और इसके मैं क्लीन की जगह मैं अब इसको शॉर्टलिस्टेड का वर्ड लिखूँगा। शॉर्टलिस्टेड का मतलब ये है कि मैं जब इनमें से शॉर्टलिस्ट कर लूँगा और बाद में जब मुझे कभी इस फोल्डर में या इस फाइल को ओपन करना होगा तो मुझे ये याद रहेगा कि ये कीवर्ड पे मैं काम कर चुका हूँ, और ये क्लीन करने के बाद मैंने उसमें से अपने रेलिवेंट ग्रुप्स के वो कीवर्ड शॉर्टलिस्ट भी कर लिए हैं, और वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप उसको फाइल को ओपन कर लें, आपके पास वही डेटा दोबारा से आ जाएगा जो आपने क्लीन किया था। मैं इस एग्जिस्टिंग फाइल का नाम, इसको मैं रॉ का वर्ड दे सकता हूँ, ये वो रॉ कीवर्ड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऐसे ही मिले थे। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। जब इसका मैं नाम चेंज करूँगा उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा ताकि इसी की कॉपी बन जाए और मैं उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट कर सकूँ। ये कॉपी क्रिएट करने के बाद मैं इसको भी रीनेम करूँगा और इसका नाम मैं शॉर्टलिस्टेड लिख सकता हूँ। शॉर्टलिस्टेड फाइल कॉपी करने के बाद अब मुझे इसमें से क्या करना है कि मुझे इसमें से डेटा क्लीन करना है ताकि मैं एग्जिस्टिंग सारा डेटा डिलीट कर दूं और हमारे पास एक ब्लैंक शीट रह जाए। हेडिंग मैं डिलीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी, तो हेडिंग हम वैसे ही रखेंगे। और ये जो फॉर्मेटिंग है इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा ताकि जो मैंने कलर कोडिंग की थी ग्रीन, येलो या रेड, वो सब कलर्स ख़त्म हो जाएं। तो अब मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक डेटा है। मैं अब क्या करूंगा, मैं रॉ पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरे कौन से वो ग्रीन कीवर्ड्स हैं या वो शॉर्टलिस्टेड कीवर्ड थे जो मैंने एक पेज को असाइन करने हैं। सो ये मेरा जो पेज है
ये मोबाइल फ़ोन्स का पेज है और मैं इसके अगेंस्ट मोबाइल फ़ोन्स के कीवर्ड निकालूंगा। ये आप एक्सरसाइज हर कीवर्ड के लिए रिपीट करेंगे ताकि आपको ये पता हो कि आपने एक पेज के कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं, और आप जितने भी ग्रीन कीवर्ड आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे आप उनको कॉपी करके अपने पास एक अलहदा ग्रुप में सेव कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, लेकिन इसमें से एक कीवर्ड मुझे नहीं करना था जो कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये सिर्फ मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ही वर्ड्स चाहता हूँ। अब मैंने एक पेज के ऊपर 3 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो आप किसी भी पेज पे 3-4 कम से कम या मैक्सिमम 10-12 कीवर्ड्स कर सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा नहीं करने होते। अगर आपको ज़्यादा कीवर्ड्स लगे हैं कि आपके ज़्यादा कीवर्ड्स रेलिवेंट हैं तो आप उनको मज़ीद पेजेस में डिवाइड करके 5-6 कीवर्ड्स एक पेज पे आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको ओवर कीवर्ड्स की जो है वो पॉपुलेशन ना हो उसमें। गूगल इसको गलत समझता है और इसमें हम मज़ीद बात करेंगे, इसको कीवर्ड डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हमें बस कीवर्ड लिमिटेड रखने होते हैं ताकि गूगल को पता हो कि कौन से कीवर्ड पे कौन सा पेज रैंक करना है। तो इस तरह से मैं एक ग्रुप बनाकर सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप के अगेंस्ट एक पेज को असाइन करूँगा। अगर मुझे कोई और पेज क्रिएट करना है, मैं उसकी कीवर्ड सर्च करके उसको क्लीन करके उसके अगेंस्ट भी मैं ग्रुप ऐसे निकाल लूँगा, और फिर मुझे ये पता होगा कि ये वो ग्रुप्स हैं जो मैंने किसी और पेज पे यूज़ नहीं करने। इस लेसन में मैंने क्लीन किए हुए कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया डिफरेंट ग्रुप में। अब तक हम जो कर रहे थे वो कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे थे सिर्फ उसकी रेलिवेंस की बुनियाद पर और उसकी कमर्शियलिटी की बुनियाद पर, लेकिन हमें जब वो कीवर्ड रिसर्च में से टारगेटेड कीवर्ड्स को सेपरेट भी करना होता है ताकि बार बार आपको या आपके क्लाइंट को या जिसको भी इस SEO पे काम करना है उसको वहाँ से रिसर्च से जाके वो डेटा फिल्टर आउट ना करना पड़े। आप अलग से पेजेस का डेटा निकाल कर उनको दे देते हैं या अपने पास रख लेते हैं, इससे आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाता है जब भी आपको याद रहेगा वापस आने का कि कौन से पेज के लिए कौन से कीवर्ड्स आपने असाइन किए थे, और हमेशा से आपने वही असाइन करके उन्हीं के अगेंस्ट इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उन्हीं के अगेंस्ट इस पर लिंक्स बिल्ड करने हैं और उन्हीं को इसी पे असाइंड रखना है। कभी फ्यूचर में अगर आप नए पेजेस क्रिएट करें और आपको लगे कि आपको सेम कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, तो आप ये याद रखिएगा अगर आप यही कीवर्ड्स दोबारा से किसी और पेज पे यूज़ करेंगे तो आप गूगल को कन्फ्यूज़ करेंगे कि किस तरह से आप एक ही कीवर्ड पे 2 पेजेस बना के गूगल को दिखा रहे हैं। तो गूगल को ये नहीं पता होगा कि पहला पेज रैंक करना है या दूसरा पेज रैंक करना है, और इस सब में ये कीवर्ड्स आपके कंपेटिटर्स की वेबसाइट पे भी होंगे तो आपके 2 पेजेस आपस में ही मुकाबला कर रहे होंगे जबकि आपका ऑलरेडी बहुत सख्त मुकाबला बाकी वेबसाइट्स के साथ हो रहा होगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से जो आपके ग्रुप्स हैं वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ताकि आप सिंगल पेज के ऊपर एक ही ग्रुप असाइन करें और उसको अवॉइड करें ताकि आपको पेनल्टी ना पड़े और आपको गूगल स्पैम कंसिडर ना करे और वो आपको मज़ीद अच्छी रैंकिंग दे।